Tally.ERP9 में दिनचर्या में जो भी हमने काम किया है वो हमें किस तरीके से डिस्प्ले करना है या उसका प्रिंट किस तरीके से लिया जाता है उसके बारे में ही इस वीडियो सेशन में मैं बताऊंगा। छोटा सा है, जो भी हम ट्रांजैक्शंस हम करते हैं, सेल की करते हैं, परचेज की करते हैं या बैंक की पेमेंट्स की करते हैं, रिसिप्ट की एंट्री या जो भी कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं, जिस किसी की भी एंट्रीज हम करते हैं तो उसे हमें किस तरीके से व्यू करना है उस रिपोर्ट को और प्रिंट निकालना है तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो सामने आपका डैशबोर्ड है गेटवे ऑफ टैली के ऊपर, तो यहाँ डिस्प्ले की और क्लिक करना है, डी प्रेस कीजिए, डी प्रेस का डिस्प्ले मेन्यू आ जाएगा। यहाँ डे बुक, तो डे बुक में दिन में हमने जो भी ट्रांजैक्शंस की होगी वो सब, जैसे मैंने केस स्टडी बना के रखा हुआ है पहले से ही छोटा सा, तो यहाँ डे बुक अगर मैं करूँगा तो यहाँ मैंने जैसे आज 15/4/2020 है तो दिन में मैंने कितनी एंट्रीज की है, किससे सेल किया है, किससे परचेज किया है, वो सभी चीज़ यहाँ एक साथ डिस्प्ले दिखाई देगा। और यदि एंटर करोगे तो यहाँ मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हो, यहाँ से एंटर 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 ये एंट्री किस तरीके से की गई है वो भी कर सकते हो, यहाँ से यहाँ पेमेंट की एंट्री, यहाँ से एंटर एंटर करेंगे तो मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं, एंट्री को मॉडिफाई भी कर सकते हैं यहाँ से। इस डे बुक को सिर्फ प्रिंट आउट यदि लेना है तो यहाँ से ऑल्ट पी यदि करेंगे तो यहाँ दिखाई देगा डे बुक, ये मैंने प्रीव्यू दिया हुआ है, यदि प्रीव्यू नहीं दोगे यहाँ से नो प्रीव्यू, यहाँ देखिए नो प्रीव्यू करोगे तो ये डायरेक्टली प्रिंट हो जाए, लेकिन प्रीव्यू ऑप्शन हमेशा एनेबल रखने का विद प्रीव्यू, तो कि जो भी मिस्टेक्स अगर हो तो हमें डिस्प्ले, और ये बाकी ऑप्शंस है, ये कंडेंस फॉर्मेट में है, वाउचर्स नंबर ये है, नरेशन यदि हमने डाला हुआ है या बैंक की डिटेल्स डाली है, बिल वाइज डिटेल्स है तो वो सब इसके अंदर आ जाएगा। ज़रूरत के मुताबिक हमें यहाँ यस करना है, बाकी यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट नो रहता है तो हम यस करके देख लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आपको डे रिपोर्ट दिखाई देता है और प्रिंटिंग में भी इस तरीके से सेम टू सेम डिस्प्ले करेगा। जूम करके यहाँ से जूम कर सकते हैं, एस्केप करेंगे वापस, ये प्रीव्यू स्क्रीन है, यहाँ से यदि आपका प्रिंटर पर पेपर रेडी है अब यहाँ प्रिंट दबा दीजिए तो प्रिंट हो जाएगा, यदि ईमेल करना है यहाँ से तो मेल भी कर सकते हो इस रिपोर्ट को कि डे एक्टिविटी में हमने क्या काम किया है। एस्केप करेंगे तो हम डे बुक की स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे, एस्केप डिस्प्ले मेन्यू पे आ जाएंगे, एस्केप गेटवे ऑफ टैली पे आए। तो इस तरीके से जब कभी भी हमने कभी दिन की ट्रांजैक्शंस की है, सेल की, परचेज की, तो ये था रिपोर्ट को किस तरीके से डिस्प्ले करना, डे बुक रिपोर्ट किस तरीके से डिस्प्ले करना। ओके, थैंक यू वेरी मच। हमारा ये वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Thank you very much. Keep learning.